हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ केशव चौधरी। इससे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल लॉ के फर्स्ट लेक्चर का वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, कितने तरह के होते हैं इंटरनेशनल लॉ, एग्रीमेंट क्या होता है, ट्रीटी क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था उसमें। आप जाके वीडियो देख सकते हैं और आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे सेकेंड लेक्चर। आज हम लोग पर्पस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में देखेंगे। द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ टू मेंटेन द पीस हारमोनी इंटरेक्शन ऑफ द नेशन। कि आप सपोज कर सकते हो, जो अगर इंटरनेशनल लॉ नहीं होगा हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में, तो व्हाट विल हैपन? एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करेगी, सिटीजन्स मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स विल हैपन इन डे टू डे लाइफ, इट विल बी वेरी कॉमन। सो इंटरनेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, और एज अ लॉ स्टूडेंट वी शुड नॉट ओनली नो द व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, व्हाट इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, व्हाट इज़ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, हमें ये भी जानना चाहिए जो इंटरनेशनल लॉ का पर्पस क्या है, ओरिजिन कहाँ से आया है। तो इस लेक्चर में हम लोग पर्पस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में जानेंगे। इट इज़ कंसिडर्ड एज सुप्रीम लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द नेशंस। अगर दो नेशन के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो देन इंटरनेशनल लॉ विल प्रिवेल। द जजमेंट विच इज़ गिवन बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ बाइंडिंग ऑन बोथ नेशंस। ऐसी कोई जजमेंट जो दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दी गई हो, वो दो नेशन पे अप्लाई करती है। ये नहीं कि एक नेशन पे अप्लाई कर रही है, दूसरे पे नहीं कर रही है, वैसी बात नहीं होती। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आया है फैसला तो वो दोनों कंट्री पे अप्लाई होगी। पीस बिटवीन द नेशन इज़ द मेन एम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम ही है पीस, शांति, क्योंकि यूएनओ फॉर्म हुई इसकी वजह से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था। इंटरनेशनल लॉ प्रचलित हो गया, और क्या कहते हैं, यूएनओ फोरम हुआ, आईसीसी बना, आईसीजे बना। आगे हम देखेंगे आईसीसी और आईसीजे के बारे में। फेमस लीगल जोरिस्ट मैरी एलेन ओ कॉनेल ने कहा था, उन्होंने पर्पस ऑफ इंटरनेशनल लॉ बताया था। अकॉर्डिंग टू देम इंटरनेशनल लॉ सपोर्ट्स ऑर्डर इन द वर्ल्ड एंड द अटेनमेंट ऑफ ह्यूमनिटी, फंडामेंटल गोल्स ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा था इंटरनेशनल लॉ का मेन गोल यही है जो पीस हो, पूरे वर्ल्ड में पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। किसी कंट्री के पास ऑयल है, किसी के पास पानी है, तो दोनों एक्सचेंज करके अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। ह्यूमनिटी हो, एक कंट्री के आदमी दूसरे कंट्री के पास जाए सिटीजन एज अ टूरिस्ट, मतलब फ्रेंडली नहीं फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, और नेचुरल इन्वायरमेंट। ऐसी कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, वो सब भी इंटरनेशनल लॉ के तहत ही डील होती है। तो मैरी एलन कोनल ने बताया था, रियल बताया था जो इंटरनेशनल लॉ के क्या गोल्स होने चाहिए, इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग दूसरे स्लाइड में देखेंगे। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द टर्म एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर को हम दूत कहते हैं, राजदूत कहते हैं। इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु वर्क एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशंस। ये गवर्नमेंट का आदमी होता है जो दूसरे कंट्री में रह के अपने गवर्नमेंट को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। देयर मेन पर्पज़ इज़ टू कम्युनिकेट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। हर एक देश में अपना अपना सबके कंट्री के एक एम्बेसडर्स होते हैं, जिनका मेन काम ये होता है जो दो कंट्री के बीच में इम्पॉर्टेंट जो मैटर्स हैं उसके बीच में कम्युनिकेट करना, क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर के बीच में हमेशा बात तो होती नहीं है। तो देयर इज़ अ पीपल फ्रॉम बोथ द कंट्रीज हु टॉक्ड, हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ओके, दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम सभी ने यूएनओ का नाम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा अपनी लाइफ में। हम लोग आज जानेंगे यूएनओ होता क्या है।
इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी विच हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन डैट इज़ नोन एज चार्टर हैविंग वर्ल्ड वाइड जुरिडिक्शन. यूएनओ 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 वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945. ओके. इट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. यूएनओ का यूएनओ एक ऐसी बॉडी है जिसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका अपना संविधान है, जिसे हम चार्टर कहते हैं. और इसकी जुडिक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड है, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जैसी जुडिक्शन होती है पूरे इंडिया, हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन होती है सिर्फ एक स्टेट, वैसे ही यूएनओ की जुडिक्शन होती है पूरे वर्ल्ड में इसकी जुडिक्शन होती है. प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर इट्स मेंबर. अभी प्रेजेंटली वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं. द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज ऑल्सो नोन एज यूएन चार्टर. चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन को क्या कहा जाता है, यूएन चार्टर 1945, विच इज़ फंडामेंटल ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इट वॉज फाउंडेड इन 1945 इन सैन फ्रांसिस्को. एट दैट टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इट हैज़ 51 फाउंडिंग मेम्बर्स, बट प्रेजेंटली इट इंक्रीजेज टू 93. जब ये फाउंड हो रहा था 1945 में, जब ये इस्टेब्लिश की जा रही थी उस टाइम में इनके फाउंडिंग मेम्बर थे 51, लेकिन धीरे 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 जितने भी इम्पोर्टेंट नेशंस हैं वर्ल्ड की, जो सिविलाइज नेशंस हैं, आज सारे इसके मेम्बर हैं. यूनाइटेड नेशन से तो हम परिचित हो गए यूनाइटेड नेशन क्या होता है, और सबसे सबसे बड़ी बात यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ यूएनओ. यूएनए को यूएनओ के जो चार्टर हैं उसी के सारे पार्ट्स हैं. अब मैं आपको बताता हूँ, यूएनओ के 193 मेंबर हैं, ठीक है. इसके आईसीजे हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ओके, जनरल सेक्रेटरी, ये सब इसी के ब्रांच हैं, इसी के अंदर आते हैं, यूएनओ के अंदर ही आते हैं, ठीक है. यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, रसिया और एक कोई कंट्री है, मैं भूल रहा हूँ, वो आती है, ठीक है. तो याद रखने वाली बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो हमारे लॉ इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों यूएन यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं. ओके ओके, अब हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में. हमने तो बहुत बार नाम सुना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज अ लॉ स्टूडेंट, आईसीजे सिचुएटेड इन नीदरलैंड हॉग एंड ऑल दीज थिंग्स, बट आज हम प्रॉपर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जान लेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होती है. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन. मैंने आपको पहले ही बताया है यूनाइटेड नेशन के 6 ब्रांच हैं, और इस 6 ब्रांच में आईसीजे आता है. मीन्स दिस इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूएनओ से रिलेटेड जितने भी जुडिशियल मैटर्स होंगे वो कहाँ जाते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, जहाँ ये डिस्प्यूट सॉल्व होता है. इट सीट्स एट द पीस पैलेस इन द हॉग, नीदरलैंड्स. मैंने आपको पहले ही बताया था इट सिचुएटेड इन नीदरलैंड. इट्स नाउ, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये पीस पैलेस नाम की एक जगह है नीदरलैंड में, वहीं पे ये सिचुएटेड है. इट बिगेन वर्क इन 1946 से आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की शुरुआत हुई थी. इससे पहले भी हमारे पास एक परमानेंट कोर्ट हुआ करता था, बट ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड लड़ाई हुई, नया यूएनओ बना, और यूएनओ के बाद फिर से आईसीजे बना, ठीक है. व्हेन इट रिप्लेस द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस विच हैड फंक्शनड द पीस पैलेस सिंस 1922. इससे पहले 1922 से लेके 1945 तक पीस पैलेस में ही एक दूसरा परमानेंट कोर्ट चलता था, लेकिन यूएनए के फॉर्म होने के बाद सम रिफॉर्मेशन हैज़ केम, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है. और आज हम जानेंगे इस कोर्ट के फंक्शन कितने होते हैं. इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेनली टू फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के. टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाई द स्टेट्स. सबसे पहले तो हम जानते हैं एज अ कोर्ट
वट एवर द एनी डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स अगर कोई कोई दो नेशन के बीच में आती है, तो वो आईसीजे की जिम्मेदारी है जो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड इट टू इट बाय द ऑथराइज्ड यूएन ऑर्गेन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है कि वो एडवाइस अपने प्रेसिडेंट एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को, बट डेट विल बी नॉट बाइंडिंग। प्रेसिडेंट उस एडवाइस को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी फॉलो कर सकता है। इन डैट वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी ये दूसरा काम है कि वो भी एडवाइजरी ओपिनियन देते हैं। अगर यूएनओ या इसकी कोई भी ऑर्गेन को अगर कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत होगी, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज होंगे वो इसे एडवाइजरी देंगे, ठीक है। और अदर भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, अगर इंटरपोल है या ऐसे भी बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनकी इंटरनेशनल एजेंसी मस्ट बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ऐसा हो देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन एडवाइस। मैंने पहले ही बताया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट। आईसीजे को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, ये तो नॉर्मल कॉमन सी बात है क्योंकि ये पूरी दुनिया की कोर्ट होती है। अगर दो कंट्रियों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो इसी कोर्ट में जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेनली दो फंक्शन होते हैं, टू सेटल द डिस्प्यूट, फर्स्ट फंक्शन जो डिस्प्यूट सेटल करता है, और दूसरा जो एडवाइजरी ओपिनियन देता है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ यूएन ऑर्गेन एंड अदर एजेंसीज, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। आईसीजे इज कंपोज्ड बाय कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड टू 9 ईयर टर्म्स बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज 65 ईयर तक सुप्रीम कोर्ट जज रहते हैं, हाई कोर्ट जज 62 तक रहते हैं, और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले तो 60 ईयर में रिटायर हो जाते हैं, वैसे ही 9 ईयर टर्म तक ये इलेक्ट होते हैं। 9 ईयर टर्म से पहले ये नहीं रिटायर होते, और ये जो इलेक्ट किए जाते हैं वो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। प्रेजेंट में अब्दुल कवी अहमद यूसुफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एज अ लॉ स्टूडेंट्स हमसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम हम याद रखते हैं, वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम भी याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ इज़ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। हमने दो वर्ड सुनना है अपनी एज अ लॉ स्टूडेंट, एक सुनते हैं हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, और एक कोर्ट होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम आईसीसी या आईसीसीटी भी बोलते हैं। इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल डेट सिट्स इन द हॉग इन नीदरलैंड्स, ये भी नीदरलैंड में ही सिचुएटेड है। आईसीसी हैज़ द जुडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर एंड क्राइम्स। अब मैं बताता हूँ, आईसीजे एक हो गया और एक हो गया आईसीसी। आईसीजे का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स। आईसीजे क्या करती है? आईसीजे का काम है दो नेशन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो कौन सॉल्व करेगा? वो आईसीजे सॉल्व करेगा। बट आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स का काम होता है अगर किसी नेशन में जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड मीन्स कत्लेआम हो रहे हैं, क्राइम बहुत बढ़ गया है, एक ऐसी कोई एक्टिविटी जो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, पब्लिकों को मारा जा रहा है, तो ऐसे जो मैटर होते हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में डील होते हैं। हम नाम से ही समझ सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मीन्स क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे वर्ल्ड में जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का होगा वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में डील किया जाता है। अब हम लोग आईसीसी और आईसीजे और आईसीसी के बारे में डिफरेंस देखेंगे। आईसीसी इट इन्वेस्टिगेट एंड पनिशेस पीपल फॉर जेनोसाइड्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड आईसीसी और आईसीटी। मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बता दिया था
जो आईसीसी का काम है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे जेनिसाइड हो गया, एनी क्राइम दैट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम हो गया, तो इन सब सारे मैटर को लेके आईसीसी डील करती है। और आईसीजे का काम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इज सेटल डाउन द डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज़। अगर दो कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो देन द मैटर विल गो टू द आईसीजे। द मेन डिफरेंस क्या होता है, अब हम लोग जान गए आईसीसी और आईसीजे में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस अगर हमसे कोई पूछता है तो हम ये बता सकते हैं, जो मेन डिफरेंस इज़ डैट द आईसीजे सेटल आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन कंट्रीज, बट द आईसीसी पनिशेज द पीपल। आईसीजे में किसी पनिशमेंट नहीं मिलता, ये दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करती हो, बट आईसीसी में इन्वेस्टिगेशन होता है और प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, टुडे सेकेंड लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड। फॉर थर्ड लेक्चर ऑन इंटरनेशनल लॉ, कीप विजिटिंग ऑन माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट सून ओके।